एमयू बंटा जरूर मिल गया। यहाँ पे एमयू बंटा का बिल बोर्ड है। अपने घर में नहीं तो फ्रिज है, नहीं तो वॉशिंग मशीन है, एंड मैं एसी का तो दूर दूर तक नाता ही नहीं जब से अपन जन्म हुआ है। सही है भाई, ठंडी में अगर हवा चले तो फिर बैंड बजी समझो, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिजिकली देख के परचेज करना चाहिए। Sefer düştü şu Bizans'a, beyim ile göçen gelsin. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आदम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, कैरियस हो गए, माशाल्लाह काफी मस्त हवा चल रही है, ब्रीजिंग हो रही है अच्छी खासी वाली, वैसे भी रात के जब 10:45 बज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, यही तो है भाई, मानसून शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी से राहत मिल चुकी है अपने को। दोपहर के बाद अलग है, दोपहर में होती है गर्मी अच्छी खासी वाली, मस्त सभी जो रात में नींद आने वाली है। लास्ट वक्त की फाइल्स मैं लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहा हूँ, सुबह उठने के बाद मैं ये ब्लॉग एडिट करने बैठूंगा, लेकिन आपने इसके पहले देखा जो सुकून की नींद मिले ना अभी ठंडक में माशाल्लाह सुबह लेना, एंड अभी जैसी सुबह हुई अभी से तो बारिश स्टार्ट हो गई, एंड साथ में जो मस्त ठंडा ऊपर मोमेंटम बना हुआ है ना, ये जो गैस कैंसी है, ये पूरा दिन ऐसे रहता है माहौल। वैसे अभी तक तो गर्म पानी से नहाने की नौबत नहीं पड़ी है, पानी अच्छा खासा जो ठंडा हो चुका है पहले के मुताबिक, मस्त सुबह बारिश आ रही थी, अभी जो धूप निकली हुई है तो ये भी काफी प्यारा सा ट्रांजिशन है। सुबह सुबह विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, सुबह इतनी नहीं है, अभी जो सुबह के 9 बज रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए सुबह सुबह का जो सनराइज होता है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है अपनी हेल्थ के लिए, विटामिन डी बोले तो। और अभी मस्त लग रही है धूप, अभी जैसे नहा के बाहर निकल, मैं नहीं चाहता ऑफिस में पसीना पसीना हो जाऊँ, जितना मस्त सुबह में लग रहा है उतना ही गर्म अभी लग रहा है। सुबह बारिश के महीने में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कपड़े ना सूखने की, अपने घर में नहीं तो फ्रिज है, नहीं तो वॉशिंग मशीन है, एंड मैं एसी का तो दूर दूर तक नाता ही नहीं है जब से अपन जन्म हुआ है, वॉशिंग मशीन अपने को देखने जाना है ना, अपने पास जो बहुत सारे ऑप्शन है अपने साथ में, और हम नहाते बारिश में, बारिश में आएगी देखते हैं अपने नियर बाय में मिल गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा मॉल या तो फिर विजय सेल्स, एंड वो तो डेफिनेटली अपने अब्दुल्ला भाई के साथ में जाओगे या तो फिर अब्बास भाई के साथ में होगा। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे चेकआउट करते हुए क्या कैसा सीन है, अभी जैसे आपको मैंने कहा था बाहर धूप थी, बस अभी बारिश हो रही है, हमें ड्रिजिंग हो रही है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई बारिश तो बंद हो गई, आई मीन तो बंद हो गई, सही है भाई, हवा देखो क्या मस्त है, ओहो भाई साहब सही है भाई, ठंडी में अगर हवा चले तो फिर बैंड बजी समझो। तो भाई यहाँ पे तो एक पास में विजय हेल्थ, मैप में देखे लोकेशन गए, तो जैसे लोकेशन में पहुंचे, कौन सा विजय हेल्थ था भाई, वो कुरियर वाला कुरियर वाला विजय हेल्थ था, वहाँ कुरियर वाला में था वो सामान को क्या बोलते हैं प्लेट वाला था, शायद प्लेट थी क्या मालूम, ये ज़्यादा अपन यहाँ से मार्केट क्या बढ़िया था गुरु, फिर तो दूसरा ऑप्शन तो आपको मैंने बता दिया, मॉल जाएगा तो फिर विजय सेल जाएगा असली वाला मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी गर्मी लगी है भाई, जो प्लान में जो है थोड़ा चेंज आ गया, अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस से घर पे, क्योंकि अभी जो गर्मी हो रही है ना भाई अनबेरेबल हो, लिटरली चक्कर आने लगे इतनी ज़्यादा गर्मी, अभी खाना खाया शाम तक निकलेगा अराउंड, जब धूप कम होगी तब मैं सोचा, मैं बोल रहा हूँ कि गर्मी इतनी ज़्यादा खत्म करो। तो वॉशिंग मशीन का ऑप्शन मेरे पास ऑनलाइन में जो बहुत सारे हैं, ऑनलाइन में दो वॉशिंग मशीन को सिलेक्ट करके रखा, इवन मुझे यहाँ पे जाकर फिजिकली देखना है, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिजिकली देख के परचेज करना चाहिए, ताकि ऑनलाइन में स्मार्टफोन तक की सीमित हूँ, ये जो वॉशिंग मशीन की बात है फिर चाहे वो टीवी हो गया खरीदने वाले खरीदते, लेकिन मेरा थॉट ये है कि भाई फिजिकली ये सब चीज़ों को जाके देखना उसके बाद जाके परचेज करना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी 6:30 बज रहे शाम के, अभी जा रहे हो वापस से मार्केट पे, क्योंकि ना मार्केट के आसपास में पहले बहुत सारी दुकानें थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, टीवी की, रेफ्रिजरेटर की, एसी की, वॉशिंग मशीन की, सारी सारी दुकानें थी, जो कि मुझे देखना अभी है कि नहीं है, वैसे जितनी बार मैं वहाँ से गुजरा हूँ मुझे देखी नहीं एक भी। तो भाई अभी अपन आया माशाल्लाह क्यूरी में बार अपना क्या बोलूँ उसको, क्या बोलेगा अपन, ब्रेड शॉर्मा क्या बोलेगा, चिकन चिली वगैरह में रेडी हो रहा है, रिव्यू राइल नहीं दिया, काफ़ी टेस्टी होता है, अभी देखते हैं टेस्ट करके एक्चुअल में कैसे है भाई, ये देखो आप मस्त एकदम सुबह, यहाँ पे आपका भाई सामने जी लल चाहे रहा ना जाए, गलती से मिस्टेक होगी, बेसिकली शेजवान रोल है, मस्त यहाँ पे पीसीस करे हुए केवल मायनेस एंड सॉस है, अरे मेरे भाई हक अल्लाह कड़क कड़क। तो भाई ये आएगा पहले पीस द मोमेंट ऑफ द बिस्मिल लेयर फाइन, माशाल्लाह माशाल्लाह का खाना माशाल्लाह, जितने हमने एक्सपेक्ट किया उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, एक नंबर है अच्छा। एंड ऑल्सो यहाँ पर ठंडे पानी की बॉटल भी आ गई है, दूसरा पीस, ये जगह अंदर की फीलिंग आप देखो खाली फुल्ली लोडेड,
सब जगह रेनकोट है, अम्ब्रेला है, सब वही है भाई यहाँ पे। कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले यहाँ पे एक दुकान छोड़ के कोई ना कोई इलेक्ट्रिक शॉक तो होती थी, टीवी रेफ्रिजरेटर मैं खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन भाई अभी के टाइम पे बाद में जो है मेरी अम्मी जान ने कहे थे, उसके बाद में रियलाइज हुआ हाँ भाई ये भी एक चीज़ थी जो कि अभी नहीं है। तो भाई इतना चलने के बाद, इतना घूमने फिरने के बाद फाइनली एक जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान दिखी है, पूछते अंदर जाके। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया भाई, यहीं से देख के लग रहा है नहीं होगा वॉशिंग मशीन। इस वाली शॉप में सीन ये था, यहाँ पे वॉशिंग मशीन तो फिजिकली अवेलेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑर्डर पे मिल जाएगा, नंबर वगैरह मैं एक्सचेंज कर लिया, अभी देखता हूँ फर्दर डिटेल्स तब तक मिलते हैं मुझे। तो उस शॉप में जैसे हम एंटर हुए, वहाँ पे रखे हुए थे कुछ एप्पल डिवाइसेस, जैसे कि एप्पल वॉच सीरीज 8, उसके बाद में आईफोन 14, उसके बाद में आईफोन 14 प्लस जेन, फिर उसके बाद द बीस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स, एंड ठीक उसके बगल में रखा हुआ था एक आईपैड। वो देख के लिए दिल गार्डन गार्डन हो गया, भले अपने को जो वॉशिंग मशीन देखने मिला या नहीं, एप्पल डिवाइस में देखने मिल गए भाई साहब, अपना दिन बन गया, आई मीन अपनी शाम बन गई भाई। वॉशिंग मशीन तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन एमयू बंटा ज़रूर मिल गया। यहाँ पे एमयू बंटा का बिल बोर्ड है, किंग ऑफ स्ट्रीट। मेरे पीछे एक दुकान है वॉशिंग मशीन की, लेकिन वहाँ पे जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है भाई, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो ये अपने को नीचे अपने को ऑटोमेटिक मशीन। इतना चले शेजवान रोल खाया था वो भी हजम हो गया। तो मार्केट पे आने के बाद यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी ये साइकिल के ऊपर, फैट टायर साइकिल जिसको बोलते हैं, जो फोल्डिंग वाली है, इसको मैं आसे से गाँव भी ले जा सकता हूँ, गाँव से यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ। एंड ऑल्सो भाई यहाँ पे एक मर्सिडीज की एंड और भी काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड की साइकिल है, आपके बाइक का जो इसके बटका हुआ है, ये अपनी बॉडी के हिसाब से साइकिल सही रहेगी। एंड उसका फ्रेम भी सबसे बड़ा है 29 इंच, ये साइकिल भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, जैसे कि ये देखो भाई साहब एक नंबर। तो भाई ऑलमोस्ट अपने पूरी मार्केट जो चेक कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक या होम अप्लायंसेस की कोई भी शॉप नहीं है टिपिकल, फिर भी जरा आसपास देखते हुए जाएंगे घर पे, अपने सामने के रोड पे गली में घूम घूम के जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल जाना चाहिए भाई। नहीं मिला यहाँ पे आसपास भी, काफी दुकान हमने पूछे नहीं मिला, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं अपन घर पे, 8 बजने वाले। घर पे जाने से पहले कुछ ठंडा सा होना चाहिए, गला बड़ा सूख गया अपना, गन्ने का जूस पे गया निचा, उसके बाद जाएगा घर पे। जजाकल्ला भाई, कैन यू बिलीव 10 रुपए का गन्ने का जूस था, तो अभी के टाइम पे 15 से 20 रुपए के नीचे नहीं मिलता है, 10 रुपए का था वो, तो भाई अभी यहीं से आगे पीने के लिए अपन इंशाल्लाह। घर पहुँचते पहुँचते अपने को 8:30 हो गया। सलामुअलैकुम। तो अभी आगे अपने लास्ट वॉक यही हुआ है, दिस इज द नेक्स्ट डे भी सुबह के 11:45 बजे तक। तो विद दिस साइड इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, नए हो सब्सक्राइब करो अपने वजह, बाकी फॉर मोर अपडेट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हाँ बस जा रहे अभी तो है बस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, और मिलता हूँ सुबह चलने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। सो आई वांट टू से अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गिव मी एवरीथिंग।